आज हम हिंदी विषय पर लेसन प्लान बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हम आगे कदम बढ़ाएंगे। कक्षा 5वीं के लिए है ये हिंदी का हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान में लिखेंगे सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। इसके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जो इसके सामान्य उद्देश्य हैं दो या तीन उद्देश्य वो लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में भी दो या तीन विशिष्ट उद्देश्य लिख के अभिप्रेरणा लिखेंगे। सामान्य उद्देश्यों में जैसे कि जो हमारे नॉर्मल एम्स हैं वो लिखते हैं और विशिष्ट में स्पेसिफिक एम्स। उसके बाद है अभिप्रेरणा। विषय वस्तु की ओर प्रेरित करने के लिए छात्र अध्यापिका बच्चों को बताएगी कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करना है और अपने राष्ट्र के लिए यदि सिर भी भेंट चढ़ाना पड़े तो पीछे नहीं हटना है, हमें भारत के ध्वजा को फहराना है। ये हम अभिप्रेरणा देंगे, मोटिवेशन देंगे बच्चे को पहले। उसके बाद है विषय वस्तु का सरलीकरण। उसके बाद आएगी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जो भी हमें प्रेजेंट करना है। अब इसमें वो आएगा जो हमें टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, वो आएगा। जैसे हमने ये पोइम थी, इतनी पोइम पढ़ाई, उसका सरलार्थ जो है वो नीचे लिखेंगे, ऊपर पोइम लिखेंगे जितनी पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका सरलार्थ लिखेंगे। तो ये इस तरह से है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन के बाद जो है हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। यानी कि प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद हम ब्लैक बोर्ड के लिए ब्लैक चार्ट काटेंगे। ब्लैक चार्ट के ऊपर हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर सिल्वर पेन से, जैसे पोइम का नाम लिखेंगे, हम आगे कदम बढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कदम, ध्वजा, नादान, धुन, जननी, ये इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे। उसके अगला स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण के बाद है समूह निर्माण व समूहों को दिया गया कार्य। हम दो समूह बनाएंगे, एक समूह या दो समूह, हर समूह से दो दो क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि ये समूह एक है, इससे भी दो क्वेश्चन हमने पूछ लिए। समूह दो बनाया, उससे भी दो क्वेश्चन पूछे। उसके बाद निरीक्षण करेंगे और उसके बाद समूहों के प्रदत्त कार्य का, जैसे उसे आंसर मिलेंगे वो हम लिखेंगे। जैसे समूह एक ना दो जो प्रश्न पूछे थे उनके हमने उत्तर लेने हैं, समूह दो से उत्तर लिए। उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद गृह कार्य। मूल्यांकन में हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि उसमें जो है वो उनको नॉलेज हुई है टॉपिक की या नहीं। गृह कार्य में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, वो भी हम ब्लैक बोर्ड लगा के करेंगे, ब्लैक चार्ट लगा के सिल्वर पेन से लिखेंगे उसको। गृह कार्य में दो या तीन हम क्वेश्चन देते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार स्टार्टिंग से सभी का मैं क्लियर करके देती हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।